ये लो बीवी, बिस्किट खा लो, भूख लगी होगी, लो खाओ। बस आरके, अब अच्छा इंसान होने की एक्टिंग बंद करो। बीवी, मैं फ्री में एक्टिंग नहीं करता, बहुत पैसे लेता हूं। अपनी अकड़ छोड़ो और खाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान की एक्टिंग करके अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम गलत हो। बचपना जा रहा है तुम्हारा, समझदार होती जा रही हो, तभी तो मुझे इतना अच्छा पहचाना तुमने। बहुत अच्छे से पहचान गई हूं मैं तुम्हें। तुम जानवर हो और हमेशा जानवर ही रहोगे। प्यार, हमदर्दी, ये सारी बातों से तुम बहुत दूर हो। तुम्हें तो इतनी इंसानियत तक नहीं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि आज शाम तुमने किसी की बेइज्जती की थी। क्या हुआ, प्रायश्चित करना चाहते हो? इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे यहां बचाने आकर है ना? भूखे पेट इंसान का दिमाग खराब हो जाता है और दिल बकवास करने लगता है। तो तुम मानते हो कि तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की? बीवी, अपनी गलत फहमी से बाहर निकलो और तुम्हें याद दिला देता हूं, चार ही सही पर फेरे लिए हैं हमने। बस उन्हीं फेरों से जुड़ी कुछ कस्में निभा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ सोच के अपने दिल को झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हारा दिल बंद ना पड़ जाए। कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद है। दरवाजा जाम है, खुलने नहीं वाला। गार्ड ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, पर नहीं। अब हमें सुपर वुमन मधुबाला बचाएंगे। वेरी गुड बीवी, लगी रहो, बचा लो हमें, एक एहसान कर दो हम पर।
अंधेरे से डर लगता है। सही कहा ना मैंने? रात को और खूबसूरत बनाने की तैयारी कर। लो बिस्किट खा लो। नो थैंक्स। एज यू विश। बदुआ दी या काला जादू जानती? शहर में हाई टाइड की वजह से अधिकांश इलाके पानी में डूब चुके हैं। मिलन सबवे, अंधेरी सबवे और दादर के कई निचले इलाकों में पानी अब तक भरा हुआ है। कई जगह से पेड़ गिरने और शॉर्ट सर्किट की खबर भी आ रही है। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोग जहाँ भी खड़े थे वहीं पर फंस चुके हैं। आंटी जी, कुछ बात हुई? वो नटराज स्टूडियो के वॉचमैन का फोन था। स्टूडियो का दरवाजा जाम हो गया है और चीफ और भाभी जी अंदर फंस गए हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? मदद लेने के लिए गया था वो, पर पानी इतना बरस रहा है, वापस आ ही नहीं सका स्टूडियो तक। वैसे ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे ही पानी उतर जाता है वो मदद लेके आएगा और हम दरवाजा खुलवा देंगे। सब ठीक होना चाहिए। इतने प्यार के साथ आज भी रिश्ता बना के रखा है अपने पिता के साथ, लेकिन आज खुशी हो रही है तुम्हारा ये रूप देखने के लिए। वो आज नहीं रहे, अगर होते तो तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए ऐसा बर्ताव देखते शायद शायद उनकी खुदकुशी की बजाय तुम होते। पापा, क्या आपको भी लगता है कि जो मैंने किया वो गलत किया? क्या मैंने वाकई अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी?